आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है, नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनने की घटना का स्पष्टीकरण निम्न सिद्धांत द्वारा दिया जा सकता है। तो ये नीचे हमको विकल्प मिल रहे हैं ए, बी, सी और डी। यहाँ से हमको एक सही विकल्प बतलाना है। तो किसी वस्तु के नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनने की घटना में प्रकाश के निम्नलिखित गुणों का योगदान होता है। पहला है रिजरेखीय गमन, यानी प्रकाश सीधी रेखा में, सरल रेखा में चलता है और इसीलिए वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में सक्षम होता है। दूसरा है परावर्तन, कि प्रकाश जो है किसी चमकदार सतह से कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होता है, इसके कारण भी प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सब परावर्तन के कारण बनते हैं। तो तीसरा गुण है प्रकाश का, वह अपवर्तन, कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब भी वह कुछ निश्चित नियमों का पालन करती है, सदैव करती है, और इस घटना को हम कहते हैं अपवर्तन। और ये तीनों ही प्रकाश के जो गुण हैं इनकी व्याख्या हम प्रकाश के तरंग सिद्धांत की सहायता से भी कर सकते हैं और प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के द्वारा भी इनकी सफल व्याख्या होती है, कि प्रकाश कैसे रिजरेखीय गमन करता है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है या अपवर्तन कैसे होता है, ये सारी बातें। और चौथी जो गुण है वह है हमारे नेत्र का, कि हमारे नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वहाँ एक पर्दा बना हुआ है, उसको कहते हैं रेटिना। उस रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तभी नेत्र को वह प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। इस रेटिना में दो तरह के संरचनाएं होती हैं, एक शंकु आकार का, उनको शंकु कहते हैं, दूसरा छड़ के आकार का, ये छड़ कहलाते हैं। ये बहुत सूक्ष्म होते हैं और रेटिना में करोड़ों की संख्या में वहां पर उपस्थित होते हैं। तो इनमें से शंकु का काम होता है प्रकाश के रंग को पहचानना और छड़ का काम होता है प्रकाश की तीव्रता को पहचानना, कि कम प्रकाश आ रही है कि ज्यादा, उसके अनुसार आपको प्रतिबिंब धुंधला या चमकदार दिखाई देगा। और शंकुओं का कार्य होता है रंग को पहचानना और इस आधार पर जो प्रतिबिंब बना है उसका रंग आपको मालूम होता है। और ये दोनों अर्थात शंकु और छड़ ये कार्य करते हैं प्रकाश के फोटोनों के अवशोषण के द्वारा, कि किस रंग के फोटोन आए हैं, कितने फोटोन आए हैं, ये जो है ये शंकु और छड़ जो है वो क्रमशः पहचान करते हैं और उस आधार पर हमको प्रतिबिंब का वो रंग और वो चमक हमको दिखाई देता है। और इस कारण नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनने की घटना में तरंग सिद्धांत और फोटोन सिद्धांत दोनों का योगदान होता है और हम दोनों के उपयोग से ही प्रतिबिंब बनने की घटना की सही व्याख्या कर सकते हैं। और इसलिए हम प्रकाश के तरंग सिद्धांत की सहायता से प्रतिबिंब बनने की घटना की तो हम व्याख्या करेंगे, लेकिन उसके रंग की पहचान मुश्किल है, अर्थात हमें दोनों सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ेगी तब हम घटना का स्पष्टीकरण सही सही दे सकेंगे। और इसलिए हमारा जो सबसे सही विकल्प है वह है विकल्प डी, तरंग और फोटोन सिद्धांत दोनों के उपयोग से। तो अन्य की तुलना में विकल्प डी जो है वो सबसे ज्यादा सही है और इसलिए यही इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।